पलायन की जिस बात को आप कह रहे हैं वो तो कैराना का एक बहुत दुखद अतीत रहा है, इसको आप झुठला तो नहीं पाएंगे। पलायन क्राइम की वजह से था या कम्युनल वजह से था? इसमें कम्युनल एंगल देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए, जान है तो जहान है, इस दर्द से वो गए। समझाइए कि हमारा सबका हित भारतीय जनता पार्टी में है। योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, क्या बीजेपी प्रेशर में है? बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। ये तो कैराना के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि यहाँ पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पधारे और घर घर संपर्क अभियान का उन्होंने यहाँ पे शुभारंभ किया था। तो प्रेशर तो किसी प्रकार का है ही नहीं। आप स्वयं भी यहाँ गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आपके लिए मतलब कहते हैं ना कड़ा मतलब परिश्रम का, मतलब बहुत टफ एग्जाम है आपका। हाँ निश्चित रूप से, ये तो पार्टी नेतृत्व की कृपा है कि मुझे फिर से अवसर दिया है। और क्योंकि पिछली बार मैं सफल नहीं हो पाई थी तो अवश्य चुनौती भरा चुनाव है। बात बेसिकली जो है वो वापस फिर से एक मुद्दा आ गया है यहाँ पर पलायन वाला, कि हिंदुओं का पलायन का एक मुद्दा आ गया है, जिसको कहते हैं ना बीजेपी की एक तरह से कैराना जो है वो लेबोरेटरी बन गई है। हर चुनाव से पहले ये वाला मुद्दा निकल जाता है। क्या ये आपके लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है ऐसे मुद्दे? पलायन की जिस बात को आप कह रहे हैं वो तो कैराना का एक बहुत दुखद अतीत रहा है, इसको आप झुठला तो नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो परिवार जो पूर्व में यहाँ से चले गए थे वो यहाँ लौट के आए हैं। जब योगी जी और माननीय गृह मंत्री जी उन परिवारों से मिले तो सारा मीडिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो पलायन तो सच था ही। पलायन क्राइम की वजह से था या कम्युनल वजह से था? पलायन यहाँ पर जो अपराध यहाँ पर प्रभावी था 2017 से पहले, उस कारण था। तो ये बात आप, जैसे मैं भी यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ तो लोग बार बार कह रहे हैं कि क्राइम यहाँ पे अब कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा क्राइम था यहाँ पे। जी हाँ, योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति है, उस नीति के कारण अपराध पे भी लगाम है। और आज यहाँ पर लोग अगर कैराना शामली या आसपास जाते हैं तो वो सुरक्षित अपने गाँव में लौट पाते हैं अपने प्रियजनों के बीच। तो क्राइम की तो बात समझ में आती है क्राइम की, लेकिन उसको बार बार कम्युनल एंगल देना, हिंदुओं का पलायन, एक हिंदू एग्जोडस, मीडिया पूरी तरह से उसी तरह कवरेज हो रहा है, तो वो क्या है फिर? उसमें ज़्यादातर परिवार जो हैं वो एक विशेष वर्ग के अवश्य थे, क्योंकि वो यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी था, डोमिनेंट था, प्रोमिनेंट था और थोड़ा एफ्लुएंट भी था। इस कारण उस वर्ग से क्योंकि ज़्यादा संख्या रही है जो लोग यहाँ से गए हैं, तो इसमें कम्युनल एंगल देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए, जान है तो जहान है, इस दर्द से वो गए। बड़ा अजीब सा सवाल बार बार होता है कि आपकी जो, जिनसे आपका फाइट है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट से, उनके बारे में कहा जाता है कि आप लोगों का कुछ फैमिली जो एक लीनिएज या फैमिली का एक वो आता आया है कि आप लोग एक ही खून या एक ही चीज़ का रिश्ता है, क्या है ये सच्चाई? ऐसी चर्चा है कि यहाँ पर गांव में आप जानते हैं गोत्र सिस्टम होता है और गोत्र सिस्टम काफ़ी प्रभावी होता है। तो संभवतः दोनों के पूर्वज एक ही गोत्र है, कलशान चौहान गोत्र। तो वो ऐसा यहाँ पे प्रचलित है कि ये दोनों परिवार जो हैं ये संभवतः उसी गोत्र से थे। उन्होंने क्योंकि इस्लाम धर्म अपना लिया कई सौ वर्ष पूर्व, तो वो मुस्लिम गुजर बन गए और ये परिवार जो है जो चौपाल पे है वो हिंदू गुजर ही रहा। लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार आपको टिकट पार्टी नहीं देती तो पार्टी के लिए नुकसान ये होता कि हुकुम सिंह की बेटी को पार्टी ने नकार दिया, और हुकुम सिंह को लोग यहाँ बहुत सालों तक, उन्होंने यहाँ राजनीति की है, यहाँ से वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि पार्टी की ही दिक्कत हो जाती इसलिए अगर आपको टिकट नहीं देते तो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। पार्टी के लिए तो
यहाँ पर अभी भी और भी कैंडिडेट्स थे। ये तो पार्टी की बहुत बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है कि मुझे फिर से अवसर दिया है। एक यहाँ बड़ा मुद्दा है जो पलायन से हम लोग हटते हैं, मतलब क्योंकि ये जो यहाँ का मैं आ रहा था तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें मैं देखने को मिली। सुबह में यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, आसपास जाते हैं नौकरी की तलाश में या नौकरी के लिए जाते हैं, जैसे पानीपत हो गया जाते हैं। दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि फैक्ट्री ये सब चीज़ें नहीं हैं। सड़क में भी बहुत ज़्यादा जगह मैं आया हूँ तो मुझे लगता है कई किलोमीटर तक सड़क ख़राब थी। ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं, आपकी जो पार्टी है उसकी सरकार रही है, तो क्या यहाँ से एमएलए आप नहीं बनी या आपकी पार्टी के नहीं एमएलए थे तो इस इलाके को इग्नोर कर दिया आपकी सरकार ने? देखिए, इस पूरे 5 साल में 2017 से अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं शामली जनपद में, जिसमें कैराना भी एक विधानसभा है। परंतु निश्चित रूप से जब एक उदासीन विधायक यहाँ पर रहा होगा तो लोगों की अपेक्षाएं अवश्य अधूरी रही होंगी। अगर आप जीतती हैं तो आप 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करेंगी जो जनता समझ, मतलब क्योंकि काम के विकास या काम की बातें होनी चाहिए चुनाव में, वो मिसिंग है, इसलिए मेरा ये सवाल है कि आप 3 ऐसा काम क्या करेंगी आप जीतेंगी तो? मैं क्षेत्र में और अधिक विकास कार्यों को जो अभी शेष हैं उनको पूरा कराने का प्रयास करूँगी। यहाँ पर आपने बताया कि लोग आसपास पानीपत रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैराना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी तीव्रता से बढ़ना चाहिए ताकि लोगों को अन्यत्र न जाना पड़े रोजगार की तलाश में। तीसरा है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार हो सकता है और निश्चित रूप से मेरा फोकस रहेगा। आपका फोकस रहेगा। एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी ने 300 की लिस्ट दी थी जिसमें लोग पलायन वाले पे मारते हैं, क्योंकि पलायन कर गए हैं लोग, ऐसा दिया था। बाद में फिर उन्होंने भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि मैंने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कहा था, मैंने सबके लिए कहा था। लेकिन पूरी बीजेपी उस पुराने वाले मुद्दे को लेकर चलती है, लेकिन हुकुम सिंह ने जो बाद में कहा कि धर्म विशेष की बात नहीं है, तो क्या आपको ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातों का कहीं नुकसान दिखता है या लगता है कि चलो ठीक है, चलता है, फायदा होगा? देखिए, हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है इसमें आप कम्युनल एंगल ना तलाश करें। मैं तो बिल्कुल भी नहीं तलाश जी जी, इसमें कोई कम्युनल एंगल तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी आगे भी सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है, सर्व समाज के हित के लिए कार्य कर रही है। चलिए, मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। बाकी खबरों के लिए आप भी क्विंट देखते रहिए और हमारी ऑडियंस भी क्विंट देखते रहे। मैं शादाब मोइजी कैराना से।